हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंबाई का मापन, और लंबाई का मापन भी कौन सा, वृहत लंबाइयों या वृहत दूरियों का मापन हम करते हैं, उस विधि का नाम है लंबन विधि। ये जो हमारा चैप्टर है ये है मात्रक मापन तथा विमा, जो दूसरा चैप्टर है क्लास 11 का, उसी का टॉपिक है लंबाई का मापन। ठीक है, लंबाई के मापन में हम वृहत लंबाइयों या लंबी दूरियों के मापन के लिए एक विधि काम में लेते हैं जिसे कहते हैं लंबन विधि। सबसे पहले हम इस लंबन विधि की बात करेंगे कि ये पैरेलेक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड, इस पैरेलेक्स मेथड का मतलब क्या है, इस लंबन विधि का मतलब क्या है, इसको हमें सीखना है पहले, उसके बाद में हम इस टॉपिक पे डिटेल से चर्चा करेंगे। मान लो मेरे पास में मार्कर है, इसको मैं अपने एक आंख बंद करके, अभी मैंने अपनी दाई आंख बंद करी है, तो मुझे इसकी स्थिति कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। मैंने सामने एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के सापेक्ष में इसको देख रहा हूँ, तो इसकी स्थिति ऐसे नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इस आंख से बंद करके इसको इससे देखता हूँ, तो इसकी स्थिति मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दो अलग अलग स्थितियों से किसी एक वस्तु को देखने पर यह कभी इस दिशा में नज़र आती है और कभी यह इस दिशा में नज़र आती है। ठीक है, तो अभी मैंने यही किया है, ये मेरा मार्कर था और ये बाई आँख थी और ये दाई आँख थी। इन दोनों आँखों को बारी बारी से एक एक बार बंद करके इस ऑब्जेक्ट को, जब इस वस्तु को हम देखते हैं, तो इनके बीच में कुछ अंतर आता है, कुछ डिफरेंस आता है इनकी पोजीशन में, इनकी स्थितियों में कुछ चेंजेज आता है। इसी विधि को या इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। किसी वस्तु को दो अलग अलग स्थितियों से देखने पर उस वस्तु की स्थिति में क्या आता है, हमें थोड़ा परिवर्तन नज़र आता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। और इसी लंबन विधि का उपयोग करके हम अपने से दूर स्थित जितने भी प्लैनेट ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं और जितने भी आपके खगोलीय पिंड हैं, उनकी दूरियों का मापन करने के लिए लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो लंबन विधि क्या है, दूर स्थित पिंडों की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लंबन विधि यूज़ करते हैं। और लंबन विधि आपको अच्छे समय समझ में आ गई होगी, दो अलग अलग बिंदुओं से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नज़र आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लंबन। और ये जो दो स्थितियाँ हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं आधारक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आधारक या आधार। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो बीच में कोण बना है इसको हम बोलते हैं लंबन कोण, इसको हम क्या बोलेंगे, लंबन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो पिंड था इसकी दूरी हमने ज्ञात करी, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल डी। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं कि सर ये विधि कहाँ काम में आती है। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि लंबन क्या होता है। अब इस लंबन विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मान लो ये चंद्रमा है, मान लो हमने ये क्या है, चंद्रमा है, इसकी हमें पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है, इसे हमें पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। तो पृथ्वी पर दो वेधशालाएं ली गई है, एक ए और एक बी। यहाँ से दूरबीन से या किसी उपकरण से हम चंद्रमा को इस स्थिति से देखते हैं, फिर दूसरी स्थिति से यहाँ से देखते हैं एक ही समय पर। तो इन दोनों स्थितियों के बीच जो बना कोण है वो क्या हो गया, लंबन कोण। ठीक है, और ये चंद्रमा, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होगी कैपिटल डी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये आपकी दूरी जो कैपिटल डी है ये इन दोनों वेधशालाओं की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब मैंने कहा कि डी तो बहुत बड़ा हो गया और बी क्या है, बहुत छोटा है। जो आधारक है, हमने जो दो स्थितियाँ ली है, एक स्थिति यहाँ पे, एक स्थिति थोड़े दूर जाके ली हमने, तो इन दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी बी है, जिसको हमने आधारक कहा है, यह इस कैपिटल डी की तुलना में बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटा होगा तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, इस लाइन को जब हम यहाँ चलाते हैं ऐसे, तो ये जो हमारा चाप बन रहा है और ये आपने जो सीधी दूरी ली थी, इनको दोनों को लगभग बराबर मान सकते हैं। ऐसा क्यों, जब त्रिभुज आपका बहुत बड़ा होता है, मतलब ये कोण जब बहुत छोटा होता है, तो नीचे जो आपकी लाइन है इसको हम एक चाप मान सकते हैं ऐसे, और ये चाप हो गया, तो ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। तो यहाँ पे जो कैपिटल डी है,
इसको हम क्या मान सकते हैं, ये जो आपने नीचे की तरफ बी लिया इसको मैंने हल्का सा क्या मान लिया चाप, तो ये क्या हो गई उस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हमने पढ़ रखा है कोण चाप और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, कोण बराबर होता है, नेक्स्ट जो वीडियो था हमारा प्रीवियस वाला वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया था कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण यहाँ पर हमारे पास में क्या है थीटा, चाप क्या हो गया हमारे पास में ए बी, और त्रिज्या हमारे पास में क्या हो गया मान लो मून है तो एम ए ले लो या एम बी ले लो, तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया एम ए। क्लियर है यहाँ तक, कोण के सामने ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गया है ना वृत्त वाला। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास में क्या है, ए बी हमारे पास में स्मॉल बी है और एम ए हमारे पास में क्या है कैपिटल डी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल डी, कैपिटल डी को इधर ले आओ थीटा को नीचे ले जाओ तो क्या आ गया बेटा बी बाई थीटा, जहाँ पे थीटा हमेशा किस में रहेगा रेडियन में। न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई आपकी किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी, ये फॉर्मूला हमें हल्का सा ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा अप्रोच क्या है, पहली जो प्रोसेस है वो तो हमने पता कर ली कि जितने भी दूरस्थ बिंब है आपके पास में वस्तु है उनकी हम पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस लंबन विधि से हम किसी भी ग्रह का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, मान लो यह चंद्रमा है और चंद्रमा को हमने पृथ्वी के किसी एक बिंदु से पहले इधर से देखा और फिर हमने इधर से देखा, और माना इस चंद्रमा का व्यास कितना है वो हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल डी, ठीक है। और ये दूरी हम ऑलरेडी अभी ज्ञात कर चुके हैं जिसको हमने क्या बोला था कैपिटल डी है ना, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कैपिटल डी हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात कर ली। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है, और यहाँ पे वही आपका लंबन कोण कितना आ गया अल्फा, क्या आ गया, अभी मैंने कहा कैपिटल डी का मान बहुत ज़्यादा होता है तो इस स्मॉल बी को हम क्या मान सकते हैं, सॉरी इस स्मॉल डी को हम क्या मान सकते हैं आधारक या चाप। तो ये हमारा एक हल्का सा चाप हो गया, तो वही फॉर्मूला कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण सामने वाला ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गई। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से डायमीटर जो व्यास है वो क्या आ रहा है अल्फा इंटू डी, ये आ गया चंद्रमा का व्यास, ठीक है। फिर यहाँ पर वही कोण किस में रहेगा रेडियन में, और डी तो हमें मीटर वगैरह में जो दिया हुआ रहेगा किलोमीटर वगैरह में उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, अल्फा, अल्फा को यहाँ बोलेंगे हम कोणीय चौड़ाई, अल्फा का दूसरा नाम ये भी है बच्चों ध्यान रखना, कभी कभार कोणीय चौड़ाई की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की कोणीय चौड़ाई या कोणीय व्यास ज्ञात कीजिए, तो इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे कोणीय व्यास, या फिर नॉर्मल सा क्या बोलेंगे हम कोणीय लंबन कोण बोलते हैं। बाकी या तो डी पूछा जाएगा या कोणीय चौड़ाई पूछा जाएगा, अगर कोणीय चौड़ाई पूछी गई है तो हमें अल्फा ज्ञात करना है, और केवल व्यास ज्ञात बोलने के लिए बोला है तो हम स्मॉल डी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, तो ये टॉपिक और क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो एनसीईआरटी का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, मैं एक बार ये जो नीचे फॉर्मूला वगैरह है ना इसको मैं मिटा देता हूँ, और जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है देखो, यहाँ पे आपका जो बुक का एग्जाम्पल है वो है 2.3, उस पर लंबन विधि के ऊपर ही न्यूमेरिकल की बात की गई, और वो न्यूमेरिकल किस तरह से है मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, आपके पास में बुक है तो बुक से देख लीजिए। बोला है पृथ्वी पर व्यासतः अभिमुख दो बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा को देखा जाता है, पृथ्वी पर ए और बी दो बिंदु लिए गए हैं और इनसे चंद्रमा को देखा जा रहा है, ठीक है। दोनों बिंदुओं से चंद्रमा पर बनाया गया कोण, इन दोनों बिंदुओं से जो चंद्रमा पर बनाया जा गया कोण है वो यहाँ पे दिया है 1°54' ठीक है। फिर बोला गया यदि पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है ये नीचे की तरफ मतलब हमारे पास में स्मॉल बी आ गया, स्मॉल बी हमें दिया है 1.276 × 10⁷ मीटर, मतलब पृथ्वी से ऐसे देख रहे हैं ये रही हमारे पास में पृथ्वी, इन्होंने खुद ने बोला है कि व्यास तो अभिमुख
पृथ्वी के एक कोने पे इधर, एक कोने पे उधर, उधर से हम चंद्रमा को देख रहे हैं ये रहा। और कोण दिया हमें थीटा दिया हुआ है, हमें स्मॉल बी दिया है, हमें कैपिटल डी कैलकुलेट करना है। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, कैपिटल डी बराबर स्मॉल बी डिवाइडेड बाय थीटा। स्मॉल बी कितना है, 1.76 × 10⁷ मीटर। अब बात आती है थीटा की। मैंने अभी कहा थीटा किस में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 degree और 54 arc minutes। सबसे पहले देखो कि टोटल कितने आर्क मिनट हुए, 1 degree में 60 arc minutes होते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ देख लेना, 1 arc minute किसके बराबर होता है, सॉरी 1 degree में कितने arc minutes होते हैं, 60 arc minutes होते हैं। इसका मतलब 60 + 54 कितने हो गए, 114 arc minutes। कितने हो गए, 1 degree 54 arc minutes में टोटल कितने हो गए, 114 arc minutes। 114 arc minutes को हम जब आर्क सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा कर लेते हैं, ये किस में बदल जाएगा, आर्क सेकंड में बदल जाएगा। इसका मतलब कोण हमारा 114 × 60 आर्क सेकंड में बदल गया है। 60 से गुणा क्यों किया, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 arc minute में 60 arc seconds होते हैं, 1 arc minute में 60 arc seconds होते हैं। अब मैंने इसको आर्क सेकंड में क्यों बदला, बिकॉज 1 arc second में कितने रेडियन होते हैं, 4.84 × 10⁻¹ रेडियन, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 4.85 लिखते थे। पिछले वाला वीडियो नहीं देखा उन्होंने देख लेना, 1 arc second में इतने रेडियन होते हैं। तो इतने आर्क सेकंड में कितने होंगे, ये इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 3.32 × 10⁻²⁺ रेडियन। तो देखो हमारे पास में जो कोण था 1 degree 54 arc minute, उसको पहले आर्क सेकंड में बदला, आर्क सेकंड से फिर हमने किस में बदला, रेडियन में बदला। तो रेडियन में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3.32 × 10⁻²⁺ रेडियन। आंसर मैंने कहा था थीटा जो है रेडियन में आना चाहिए। और जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, इसको हम कंप्यूट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 3.84 × 10⁸ meter। यही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, यही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को आज ये पैरेलेक्स मेथड या जो लंबन विधि है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल से दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो किसी भी पिंड का पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने वाला, और एक जितने भी ग्रह हैं या जो खगोलीय पिंड हैं उनकी कोणीय चौड़ाई या फिर उनका व्यास ज्ञात करना। दोनों ही किससे संभव है, लंबन विधि से।